हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड थोड़ी सी क्षमा चाहते हैं आपसे इस वीडियो में थोड़ी सी देरी करने के लिए, बट देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए। आज का जो वीडियो होने वाला है, आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि कोमल तुम्हारी लिपस्टिक आए हैं, एंड आई एम लाइक वीडियो उसी पे ही है तो लिपस्टिक तो आएगी आएगी। अगर मैं लिपस्टिक की बात करूँ और मेरा रुझान जो है वो हमेशा न्यूड कलर्स की तरफ रहा है, न्यूड लिपस्टिक की तरफ रहा है, मैं हमेशा खुद को इतना अच्छे से कन्विंस कर लेती हूँ दैट आई एंड अप वेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ न्यूड कलर, या ये वाला न्यूड या फिर ये वाला न्यूड, बट इट हैज टू बी न्यूड कलर। सो चलिए देखते हैं, इतनी बढ़िया लिपस्टिक होती है ये, बस आपको सही शेड पिक करना आना चाहिए। सो यहाँ पे फेयर स्किन टोन से लेके डीपर स्किन टोन, जो इंडियन स्किन टोन होते हैं उनके लिए, सबके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ जरूर है। और हाँ, एक्साइटमेंट थोड़ा सा और डबल कर लेती हूँ मैं आपका, वो ये है कि जो रेंज हो रही है वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब हिसाब किताब सही रखा है हमने, चाहे कलर्स हो चाहे रेंज हो। रेंज वैसे तो सिर्फ अंडर 500 रुपीज, लेकिन जहाँ से स्टार्ट हो रही है दैट इज ओनली 50 रुपीज। आई एम श्योर आपने गेस भी नहीं किया होगा, एंड में दिखाने वाली हूँ वाली लिपस्टिक। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक, ऐसे ही अमेजिंग हेयर केयर स्किन केयर और मेकअप से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब के पास में जो बेल बटन है उसको भी पक्का हिट करना, वरना आपको वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। जो सबसे पहली लिपस्टिक मैं अभी मेंशन करना चाहती हूँ दैट इज दिस ADS Pro Matte Me Lipstick, और इसमें जो मेरा शेड है दैट इज 419 सन किस। नाउ अगर मैं इस लिपस्टिक की बात करूं तो मैं इसको देख के थोड़ा सा खुश हो जाती हूं। अच्छा लगता है मुझे ये जान के कि जब मैं ब्लॉगर नहीं भी थी तब भी लिपस्टिक को लेके मेरा टेस्ट बहुत अच्छा था। ये लिपस्टिक का कलर है ही इतना ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं इसके अंडरटोन्स ऑरेंज हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल, यू नो, फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे ये लिपस्टिक जाएगी और ये काफ़ी खूबसूरत आती है। आई एम श्योर आपको ये अंडर 150 रुपीज़ में ईजिली मिल जाएगी किसी भी लोकल स्टोर पे, या फिर अमेजोन के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनी विच वेज दे ही रही हूँ, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। दिस इज सच अ प्रिटी कलर, आई मीन लुक एट द शेड to die for। जिस next shade की मैं बात कर रही हूँ it is coming from the brand Maybelline and it is from their color show range, और जिस shade की मैं बात कर रही हूँ that is this 313 choco latte। This is such a beautiful nude color, I mean I don't have to mention nude every now and then, the video is all about that। This is such a pretty you know color जो कि red undertones में आता है, और since इसके undertones red है तो ये deep skin tone पे भी equally अच्छा लगेगा। इसका जो texture है that is semi matte, कंफर्टेबल होते हैं आपके लिप्स पे, एटलीस्ट लिक्विड लिपस्टिक जैसा डिस्कम्फर्ट नहीं होता, बट आई वॉन्ट से कि दीज आर वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, दीज स्टे ऑन योर लिप्स फॉर अबाउट 3 to 4 आवर्स, दैट इज लाइक गुड इनफ। और इसका टेक्स्चर काफ़ी अच्छा है, वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स, एंड यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। नेक्स्ट अप आई गॉट दिस शुगर स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक, और इसमें जो मेरा शेड है दैट इज 13, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। सच अ प्रिटी वर्सटाइल शेड, आप किसी भी स्किन टोन को पकड़ के और ये शेड लगा दो, नाम बदल देना मेरा अगर अच्छा नहीं लगे तो। सच अ ब्यूटिफुल शेड, आई मीन जो ब्रिक कलर होता है ना वैसा है ये, और इतना खूबसूरत लगेगा ये, आप इंडियन आउटफिट के साथ में कैरी कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली कैरी दिस पर्टिकुलर शेड विद योर वेस्टर्न एंड इनफैक्ट इंडियन, आई मीन बोथ द आउटफिट एट द सेम टाइम, काफ़ी अच्छा लगेगा ये। लिक्विड लिपस्टिक है तो काफ़ी अच्छा स्टे भी करती है। ओके, सो जो नेक्स्ट मेरे पास है दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस ब्रांड मैट लुक सुपर स्टे 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग लिप ग्लॉस। नाम में लिप ग्लॉस है, डजेंट मीन ये लिप ग्लॉस है, इट वर्क सेम एज अ लिपस्टिक। इसमें जो मेरा शेड है दैट इज 24 वॉर्म किस। सो द शेड इज वेरी प्रिटी, बहुत अच्छा लगता है। इसके अंडरटोन्स बिल्कुल न्यूट्रल हैं, जो कि सारे स्किन टाइप पे, स्पेशली फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स पे बहुत खिल के आएगा ये कलर। प्रॉपर न्यूड कलर है जो आप बोल रहे हैं, मतलब जैसा आप सबको चाहिए होगा। इसका फॉर्मूला भी काफ़ी अच्छा है, आपके लिप्स पे काफ़ी अच्छा टिक भी जाती है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल शेड टू हैव इन योर वैनिटी। जहाँ पे आपका एक्साइटमेंट डबल हुआ था मैं वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ADS मैट मिनियंस लिपस्टिक, लुक एट दिस, कितनी क्यूट है ये। इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़, एंड इसमें जो मेरा शेड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है दैट इज 12। सो आप देख सकते हैं ये शेयर है थोड़ा सा कलर, आई मीन इसका पे ऑफ इतना अच्छा नहीं है, बट एट दिस प्राइस यू आर गेटिंग अ न्यूड कलर। इसको आपको अप्लाई करना पड़ता है 2 से 3 बार, बट लुक एट द प्राइस, आई मीन उस पर काफ़ी अच्छा है, और अराउंड 2 घंटे 1.5 घंटा है ना, इतना टिक जाएगा आपके लिप्स पे। इट इज़ अ ब्यूटिफुल शेड टू कंसिडर। नेक्स्ट शेड जो है मेरे पास दैट इज कमिंग फ्रॉम द ब्रांड ब्लू हेवन एंड इट इज़ फ्रॉम देयर स्प्लैश मैट लिप कलर रेंज, जो कि इस तरीके से पैकेज आती है, एंड दिस रिटेल्स फॉर आई बिलीव बिलो 150 रुपीज, आई बिलीव ये 150 रुपीज़ के बिलो आपको मिल जाएगी। इसमें जो मेरा शेड है दैट इज 307 चॉकलेट मूड।
I won't say it is a proper nude color, but if you are towards brown skin tones, आप पे ये काफी अच्छा लगेगा. ये काफी अच्छा मतलब rich skin tone पे ये काफी अच्छा shade लगेगा. And at this price, इसका formula भी काफी अच्छा है. I won't say it is very long lasting, लेकिन ये काफी अच्छा टिक जाती है. And compare करें इसका formula, it is a bullet lipstick. जो कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैं इतनी सी बची है मेरे पास में ये. दिस इज सच अ प्रिटी कलर. नेक्स्ट अप जो मेरे पास शेड है, इट इज कमिंग फ्रॉम द ब्रांड वेट एंड वाइल्ड एंड इट इज फ्रॉम देयर मेगा लास्ट कैप्सुएट लिक्विड लिपस्टिक. एंड मेरा जो शेड है इसमें दैट इज E925B गिमी मोचा. सो दैट इज हाउ द शेड नेम इज. और ये भी काफ़ी अच्छा एक न्यूट्रल अंडरटोन्स वाला न्यूट कलर है. कंसिडर किया जा सकता है अगर आपकी डीप स्किन टोन है, रिच इंडियन स्किन टोन पे भी ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा. और अगर आपकी फेयर टू मीडियम स्किन टोन है तो ये शायद यू नो ब्राउन शेड्स की तरफ जाएगा. 450 रुपीज़ इसका MRP है और इसके आसपास ही आपको मिल जाएगा. काफ़ी सारी जगह पर डिस्काउंट भी चलते रहते हैं, तो आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक इट आउट एंड इट लुक्स ऑल्सो ब्यूटीफुल. एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको मैंशन करना चाहूँगी, अगर आप उसको एक एप्लीकेशन लाइक एक स्वॉच करते हैं लिप्स पे, तो ये आपको काफी हद तक न्यूट्रल कलर देता है, न्यूट कलर देता है. लेकिन इसका दूसरा यू नो कोट ही आपको काफी अच्छा एक पे ऑफ देने वाला है, तो आप इसमें कलर चेंजिंग गेम भी खेल सकते हो. नाउ जो नेक्स्ट शेड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ अ वेरी वर्सटाइल शेड. ये है फ्रॉम द ब्रांड लैक्मे एंड इट इज फ्रॉम देयर 925 लिप एंड चीक रेंज. इसमें जो मेरा शेड है दैट इज रोज टच. सो ये पर्पल अंडरटोन्स में न्यूट कलर है जो कि स्पेशली फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे ज्यादा बेहतर लगेगा. ऐसा नहीं है कि जो रिच डीप इंडियन स्किन टोन्स है उन पे अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स पे ज्यादा अच्छा लगेगा. इसको आप एज अ ब्लश भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये इसका एक लाइक बेनिफिट है, लाइक इसका एक एडवांटेज है. काफी कंफर्टेबल होते हैं ये आपके लिप्स पे. क्रीमी मैट फॉर्मूला है, आपको जरा भी यू नो ड्राई नहीं लगेगा आपके लिप्स पे. काफी अच्छा खासा टिक भी जाती है ये और ट्रांसफर प्रूफ तो है ही. एंड सिंस इट इज कमिंग फ्रॉम लैक्मे एंड इसका प्राइस होगा अराउंड 500 के आसपास, सो आई थिंक इट्स अ रियली गुड लिपस्टिक विद अ ब्यूटीफुल शेड. नेक्स्ट इज लिपस्टिक की मैं बात कर रही हूँ, इट हैज टू बी माय फेवरेट अब तक की. और ये है एक्सपोज्ड बाय इन कलर एंड मेरा जो शेड है दैट इज 20. सो ये कुछ ऐसा दिखता है. इट इज लाइक माई काइंड ऑफ न्यूट्रल न्यूड कलर जिसको अपन बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है. मतलब खिल के आता है स्किन टोन्स पे, काफ़ी अच्छा कलर है और इसकी लॉन्जिटिविटी भी काफ़ी अच्छी है. काफ़ी अच्छा टिक जाता है आपके लिप्स पे, बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं लगता है. बहुत ज़्यादा अच्छे से सेटल हो जाता है आपके लिप्स पे. काफ़ी अच्छा टिक भी जाता है अराउंड 3 से 4 घंटे तो आराम से. प्राइस भी इसका काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली इसको कंसिडर किया जा सकता है एज वन ऑफ योर न्यूड लिपस्टिक कलेक्शन. मतलब आप भी कलेक्शन बना लो, इसको रख लो. आई मीन मैं रिकमेंड करती हूँ इस शेड को. दिस इज सच अ प्रिटी एंड माई फेवरेट न्यूड कलर. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपके लिए वाला वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा. जो भी सारे मैंने आप लिपस्टिक के बारे में मेंशन किया है, उनकी सारी डिटेल विद देयर प्राइसिंग एंड डायरेक्ट परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. सो आप कंसीडर कर सकते हैं उसको भी चेक करना. और बताइएगा ऐसे और कौन कौन से लिप कलर्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं. आई वुड लव टू डू दैट. और इसमें से आपका फेवरेट कौन सा था ये भी मुझे जरूर बताना. आई वुड लव टू नो दैट. एंड या दैट्स ऑल. मैं आपको मिलती हूँ बहुत ही जल्दी अगले अमेजिंग वीडियो के साथ में, आपकी ही किसी ना किसी रिक्वेस्ट पूरी करते हुए बहुत ही जल्दी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच. Bye. Yoga.